हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रुखसार और आप देख रहे हैं रुखसार ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें ताकि आपको मेरी इस वीडियो से फायदा मिल सके। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नाइट क्रीम, जिसे यूज करके आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी स्किन को स्पॉटलेस बना सकते हैं। आपकी स्किन पर किसी किस्म की डलनेस है तो वो भी इससे काफी रिमूव होगी और ये बहुत ही नेचुरल इंग्रीडियंट से ये क्रीम तैयार हुई है, जिसे यूज करके आप अपनी स्किन को फ्लॉलेस बना सकते हैं, अपनी स्किन को पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, लाइट स्पॉट्स, जिस किस्म किसी किस्म के भी आपके स्किन पर छाइयां हैं, कुछ भी है, तो आप उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर एजिंग आ रही है तो वो भी इससे काफ़ी स्लो डाउन होगी और आपकी स्किन को नेचुरली वाइटनिंग देगी और आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा। अगर आपकी स्किन पर ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी इससे काफ़ी हद तक श्रिंक हो जाएंगे। तो बहुत सादा से इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छी एक क्रीम तैयार की है। तो जब आप मार्केट्स वाली क्रीम यूज़ करते हैं तो वो उससे आपकी स्किन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट आ सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें इन चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से आपकी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये सबसे पहले मुझे चाहिए एलोवेरा जेल, जिसे हम एक क्रीम तैयार करेंगे, नाइट क्रीम जिसे हम नाइट में यूज करेंगे। तो ये मेरे पास क्लीन बाउल है, 2 टेबलस्पून मुझे एलोवेरा जेल चाहिए। ये मैं मार्केट की एलोवेरा जेल यूज कर रही हूं। ये तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम ग्लिसरीन। तो ये मेरे पास ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन का हम 1 टेबलस्पून डालेंगे भरकर। ये ऐसे और अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग। और इसके बाद हम इसे इसमें डालेंगे आपकी स्किन को। ये ग्लिसरीन बहुत नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो आपकी स्किन को ये बहुत अच्छी नरिशिंग देगी, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगी और हेलोरोनिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करती है, तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाली है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे ये कैस्टर ऑयल। अगर आपके फेस पर एजिंग आ रही है, आपकी स्किन पर, आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा एजिंग है, आपकी स्किन पर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो वो इससे रिमूव होंगे। अगर आपकी स्किन पर एजिंग नहीं आ रही तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो 1 टेबलस्पून मैं इसका लूँगी, ये कैस्टर ऑयल का। ये 1 टेबलस्पून ली है मैंने। और अब हम लेंगे आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा, विटामिन ई है इसमें, तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर हम इस क्रीम में इसे यूज़ करेंगे। तो इसे स्किप नहीं कर सकते हम, तो 1 टेबलस्पून ही हमें इसका चाहिए। जैसे आजकल सर्दी है तो रात को आप आलमंड ऑयल से अपने फेस का मसाज कर सकते हैं, सुबह उठ के अपने फेस को वॉश कर दे तो आपको इससे भी बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हम क्रीम में यूज कर रहे हैं तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप इसका यूज़ करेंगे, ये तकरीबन आपकी 1 से 2 वीक आपकी क्रीम ये आसानी से चल जाएगी। आप इसका नाइट में रोज़ इसका यूज़ करेंगे तो 2 वीक तो आपकी आसानी से चल जाएगी, उसके बाद फिर आप और बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे क्रीम सी बन गई है ये। तो ये हमारी नाइट क्रीम तैयार है, बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ गई है ये। की मिक्सिंग ज़रा अच्छी तरह से करनी है ताकि सब ये इंग्रेडिएंट्स
आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखें, ये इस तरह से पहले एलोवेरा जेल और वो ट्रांसपेरेंट थे, तो अब ये देखो क्रीम की शक्ल में ये तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसे किसी कंटेनर में भर कर रख लेंगे और इसको नाइट में इसका यूज़ करेंगे। ये मेरे पास है कंटेनर, तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ। तो ये सारी इस तरह से मैं इसमें डालकर रख लूँगी और इसको, ये इस तरह से मेरी क्रीम तैयार है। नाइट मैं अपना फेस अच्छी तरह से, आप अपना फेस वॉश करें, फेस वॉश करने के बाद आप इसको ऐसे डॉट्स डॉट्स करके अपने फेस पर लगाएं। और ये देखिए इतनी अच्छी नेचुरल ये क्रीम है कि आपकी स्किन में थोड़ी देर में ये एब्सॉर्ब हो जाएगी और आप सुबह उठ के अपने फेस को वॉश करें, आप देखें अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अगर आप इसे ट्राई करें तो आपको इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट दे, बल्कि आपको अच्छे बेनिफिट्स देगा। और अगर आप इसे ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।